सब ठीक से होंगे। सबसे पहले बच्चों आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों आपको पता है ना कि दीपावली आ रही है, तो आपने इस दीपावली यह प्रण करना है कि हम जितना हो सके पटाखे कम से कम जलाएं। वैसे तो हमें पटाखे ना के बराबर जलाने चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत नुकसान होता है। और दूसरी बात बच्चों कि हमें बाजार से मिठाइयाँ भी कम से कम खरीद कर खानी है, क्योंकि इस टाइम बाजार की मिठाइयाँ भी अच्छी नहीं होती हैं। तो जितना हो सके आप अपने घर में ही मिठाइयाँ बनाएं और उन्हीं को खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। बच्चों आज आपको मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि की पृष्ठ संख्या 37 पर दिए गए ऐ की मात्रा वाले शब्द करवाऊंगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ऐ की मात्रा वाले शब्द। ऐ से ऐनक। ऐ की मात्रा बच्चों ऐसे लगाते हैं। देखो और पढ़ो, देखो और पढ़ो। ब ऐ की मात्रा ल, बैल। थ ऐ की मात्रा ल, आ की मात्रा थैला, बैल थैला। पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। पैसा पैर, सैर थैला, नैया मैदान, शैतान हैरान, बैठक कैलाश। फिर से पढ़ते हैं एक बार। पैसा पैर, सैर थैला, नैया मैदान, शैतान हैरान, बैठक कैलाश। आओ पढ़े, आओ पढ़े। कैलाश नैनीताल सैर पर गया, कैलाश नैनीताल सैर पर गया। नैनी झील तैर कर पार कर गया, नैनी झील तैर कर पार कर गया। कैलाश ने डकैत देखा, कैलाश ने डकैत देखा। डकैत पर ढेला मारा, डकैत पर ढेला मारा। डकैत कैद खाने गया, डकैत कैद खाने गया। कैलाश सैनिक बन गया, कैलाश सैनिक बन गया। उसे सरकार ने बहुत पैसे दिए, उसे सरकार ने बहुत पैसे दिए। कैलाश सैनिक बनकर भैया से मिलने गया, कैलाश सैनिक बनकर भैया से मिलने गया। बच्चों इसमें क्या है कि कैलाश नाम का जो लड़का है वो नैनीताल सैर पर गया। उसने कौन सी झील पार की तैर कर? नैनी झील। कैलाश ने किसको देखा था? डकैत को देखा था। अच्छा, कैलाश ने डकैत पर क्या मारा था? कैलाश ने डकैत पर ढेला मारा था। डकैत कहाँ गया था फिर? कैद खाने में गया था। कैलाश क्या बन गया था? सैनिक बन गया था। और उसे सरकार ने बहुत सारे पैसे दिए। बच्चों फिर से मैं एक बार आपको पढ़ाती हूँ। ये बैल थैला, पैसा पैर, सैर थैला, नैया मैदान, शैतान
हैरान, बैठक, कैलाश। कैलाश नैनीताल सैर पर गया। नैनी झील तैर कर पार कर गया। कैलाश ने डकैत देखा, डकैत पर ढेला मारा। डकैत कैद खाने गया। कैलाश सैनिक बन गया। उसे सरकार ने बहुत पैसे दिए। आपको आई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य करवाए हैं, इनको आप अपने घर में अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों।